आज के इस जलसे के रुए रहा कुमार स्वामी साहब, स्टेज पर बैठे हुए पूरे साथियों, श्री नौशरा सचपुइया, इनकी आज मंगनी हो रही, अप्रैल में निकाह होता। आज जो है मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे जिंदगी के अंदर मैं सिर्फ अल्लाह से एक दुआ करता हूँ, या अल्लाह जब तक खर्च और फर्ज है तो मुझे जरा वो सीट हट जाओ, उधर से हटा रहे, इधर से हटे, भाई पैसा ले हमें हटोगे तो दोबारा आवाज उठानी पड़ी। आज हिंदुस्तान की हालत क्या है, रियासत कर्नाटक के अंदर 1,35,00,000 है, हमें नंबर वन है आबादी में, और हर कौम के साथ, चाहे हिंदू हो दलित हो, हरेक के साथ जब वतन को जरूरत पड़ी, हम सिर झुकाए नहीं बल्कि सिर कटाए, ये कौम की तासीर है। जब एनआरसी का मामला आया पूरे कांग्रेस वाले डर गए, एनआरसी में कुछ भी मत बोला, मैं बोला क्यों, हमेशा पूछा, आईडी नहीं चलती, पासपोर्ट नहीं चलती, वोटर लिस्ट नहीं चलती, फिर क्या चलती, बोले तुम्हारे बाप के बाप का पैदा हुए, मैं बोला हमेशा कब्रिस्तान को आप तुझे दिखाते, मेरे बाप के बाप के बाप खबर में पत्थर के साथ नाम उठाया जाएगा, इसी मिट्टी से हम पैदा हुए। तो आज हिंदुस्तान का वक्त आता, मैं जब भी कदम उठाता हूं, ये अल्लाह का करम है, मेरे मजलूम कौम की दुआ है, अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन की दुआ है, मैं कभी किसी कोई काम कोई कदम के राय के बगैर नहीं उठाया, मैं हर वक्त अल्लाह वालों से मुसाफा किया, चाहे वो देवबंद हो, बरेली हो, तबली हो, जो भी हो, उन सब से राय मशवरा करके, क्योंकि मेरी जात को मैं कुछ भी नहीं पूछा, मैं यही पूछा मेरी कौम इज्जत के साथ जिए, सर उठाकर जिए, सर झुकाकर जिंदगी में बसर करें, इज्जत करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस से मैं निकलिया, बोले निकल गया, क्यों निकलिया, वजह क्या, ये सिद्धरामैया को सियासी जिंदगी देने वाला मैं चामंडी में हार रहा था, बादामी को ले गया, 1,200 से जिताया, चीफ मिनिस्टर बना, उस वक्त मैं बोला 30,000 करोड़ दलित को दे रहा, 20,000 बैकवर्ड को दे रहा, सिर्फ 7,000 करोड़ अखिलियत को दे, बदल गया। तू पाकिस्तान समझा क्या, मेरे भावा तू बाहर एक सूरत दिखाता, अंदर एक सूरत दिखाता, कुमार स्वामी की हुकूमत को गिरे सो कौन, 12 MLA को भेजा सो कौन, MTV नागराज तेरे चिच्चा का बेटा, अरे ये सपनों में तू बंबई
खला पिला को सुला को ये गवर्नमेंट निकालना तुझे मिले क्या? मिले क्या? यत्या को खत्म नहीं हुआ, बोले पी टीम ये टीम। परसों राज्यसभा के इलेक्शन में एक रेड्डी को अभी खड़ा करे, कर्नाटक का इन्हें येडियुरप्पा के साथ बात कर लिया। लहर सिंह तुम्हारे गांव का एमएलए श्रीनिवास गौड़ा बीजेपी को पहला वोट दिया, क्या इसकी अम्मा बेमारत थी? क्या इन्हें न्याज बन लिया था? श्रीनिवास गौड़े नी मन जा रहा था कहने बिता नहीं हरके कटक्र ना बीजेपी सिद्धरामय्या वोट हाक्तने कौन इसका वोट कलो ये रमेश कुमार ये सिद्धरामय्या गुप्पी का वासु दो जगह यहां से बीजेपी को वोट मिले उसे जीते कल इसका जवाब आज तक नहीं दिया शिव कुमार। परसों मैसूर का इलेक्शन हुआ, मैं तकरीर कर रहा हूं तनवीर सिंह भी टीवी में देख रहे थे, मेरे पार्टी के सेक्रेटरी अब्दुल्ला और शाहिद को बोलिया हमें कांग्रेस को मेयर को वोट डालने तैयार है, तुम्हें हमने एक लेटर दो बस से। तनवीर सिंह बोलता किसके साथ हुआ तो भी हाथ मिलो, गौड़े के साथ हाथ नहीं मिलाना। सिद्धरामय्या तेरी भी गौड़े की दुश्मनी हमारे को क्यों निकाल ले रहा है? निमिगो वक्त आगे साबर के आकला करती है मध्य नीन ಅದೇ ಒಕ್ಕಲಿಗರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದರು, ಅದೇ ಒಕ್ಕಲಿಗರನ್ನ ಚಾಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರು, ಗೆಲ್ಸಿರುವ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವನು ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಓಟ್ ತಗೊಳಕ್ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಇಂದ? ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಲೆ ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ಕಾ ಬೇಟಾ ತೂ तेरे बाप ये बोली सच बोला, मैं बोला अब मैं आपको भेजा नहीं भेजा था कांग्रेस का मेयर बनाओ, इन्हों येडियुरप्पा के साथ हाथ मिला तो ये गवर्नमेंट के साथ तय करा ले तो। शिव कुमार बोलता हिजाब के बारे में बात करना नहीं, अरे वो मुस्कान बच्ची मंडिया वाली मेरी बेटी की तरह तीस रवड़िया के बीच में नारा तक भी डाल रही, उसके घर को गया था मैं, उसके घर को गया तेने पूछता तू कैसा गया, बोला कौन रहे मेरे बेटे तू पूछने मन जाए तुम क्या तेरी पार्टी मुझे खरीदी, तेरी अम्मा की अम्मा इंदिरा गांधी को बोल को आया साला में, तेरे बाबा का बाबा मोदी को नहीं डरे साले में, नहीं डरा से जो खौम लमरूद को नहीं डरी तेरे तेरे बाप ईमान इश्तेदार के वास्ते नहीं बेचता। मेरे काम के लोगों आज सुनो, मरना भरा है हमला, खबर में गए तो मन रतु का मन नबियों का मन दीनों का हमें रिप्लेस करना पड़ता। हिजाब के बारे में हलाल कट कौन तुम एक अगर भरत का बेटा बात करे देवे गौड़ा का बेटा गौड़ा का बेटा गौड़े घूटे मारने लगे तो ऐसा मारते बीजेपी वाले में संभाल लेना पड़ता, गौरू गुद्दू मालूम नहीं उसे। तो आज कोलार से यह काम शुरू करना की करे हमें, क्योंकि कर्नाटक का रुख यहां से शुरू होता है, बीजापुर बीदर चामराजनगर आज हमारे
अंजुमन के सदर साहब मुस्तफा साहब, गुलबागंज के रहमतुल्लाह साहब के बेटे वजहतलाल, और हमारे अरे उनको खड़ो जी दाढ़ी वाले हमारे पुराने सुहेल नवाज नबी साहब के बेटे, हजारों तादाद में लोग आ जा रहे हैं। अली साहब भी मैं की तैयार करूं, मुझे ख्वाहिश नहीं, मुझे किस है मेरी खौ सुकून के साथ जीता हूं। फसाद क्या मुझे मालूम है, यूपी में खून की संख्या में बाहर से निकल रहा, टोपी पहन को चले सर खाली आज कर्नाटक में हालत नहीं आना, कर्नाटक के अंदर मेरे लोग तकलीफ नहीं पड़ता, हिंदू मुसलमान एक बाकी बच्चों की तरह जिंदगी बसर करना यही लेके निकला। तो आज बोले इमरान साहब निकल गए, गुलाम नबी आजाद निकले, क्या उन्हें मेरे चचा का बेटा 50 साल गुलाम नबी आपके हाथ रबाने को उनको गर्दन में हाथ डाल के तुम्हें ढक लेना, ये तो भी कांग्रेस का लीडर बोला उल्टा गुलाम नबी के ऊपर बोल रहे। गुलाम नबी मुझे मैं जिस दिन रिजाइन करा उस दिन फोन करके बोले इब्राहिम साहब तुम्हें हिम्मत का काम करे, बोला गुलाम नबी तुम्हें नबी के गुलाम है, कांग्रेस से गुलाम मत बनो, निकलो बाहर, इस्तीफा दे के निकला। हमें यहाँ किसी के गुलाम में नहीं करने है। उन्हें पूछे तो ना कुमार स्वामी धोखा दिया तो क्या करते, क्या करते, मुझे यकीन है देवेगौड़ा का बेटा वो काम नहीं करता। और बोले सिद्धरामैया जोरू को छोड़ने 3 तलाक बोला, सियासी पार्टी को छोड़ने 31 तलाक बस रहे, 3 बोलने की जरूरत नहीं, एमएलए को पैदा करने की मशीन ये कौम के अंदर आज मौजूद है। हर 5 साल को जनवा के जनते भी हमें जलवाते भी हमें ये ताकत आज कर्नाटक के अंदर जिस तरह से खौम गई, आज कर्नाटक के अंदर जो वहां पर कामयाबी मिली है वो देखिए। आज लिंगायत गौड़ा दलित बैकवर्ड पूरे के पूरे पार्टी में आ रही हूँ, अपने नामा नहीं बोलता, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में भी बल्ला के अंदर आने वाले हैं नामा नहीं बोलता। अब व्यक्ति से क्या हुआ, रमेश कुमार साहब को जो है अपन निमुआ तोड़ रहे, या बीजेपी को जितेश कौन बाबा, कौन तुम्हारे बाबा बोलना रे, यवरा गेलिपिशारु बीजेपी की अयवाड़ो, मैं ओटिचारा मुनियप्पा के पास मैं वायद में यावत कुमार स्वामी रे ना रोकने कांग्रेस से लिखती तो ना रोकने बंदे मुनियप्पन सरवागे मुनियप्पन ही ना कोड़ बैठा के दरों को दलित्रो मुनियप्पन परवा यार नायक बदलला युवक का मुनियप्पन मने होगी इब्राहिम साहब ने मने को बिटले मुनियप्पा राणा एक्कड़ को वस्तावु रा वस्तुंदे टाइम आता वक्त आता। तो इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों वक्त कम है, सिर्फ 5 साल मुझे मौका दो, 5 साल लिखूंगा तारीख एक नए मजमून की जिसकी सुर्खी को जरूरत है तुम्हारे खून की नहीं तुम्हारे पसीने की। आज वो पसीना जो है 100% वोट डाल दो, आज जनता दल को पूरे रियासत के अंदर तुम्हें मैसेज दे दो तुम्हें जिताओ, इंशाअल्लाह नजीर हिंदू मुसलमान एक माँ के बच्चों की तरह जिंदगी बसर करेंगे। और याद रखो ये वकीलगा कौम के लोग टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बच्चों को जब अंग्रेज गिरफ्तार किए मंडिया के गौड़े चंदा वसूल कर को दिए टिप्पू सुल्तान को, तुम्हें बच्चों को रिहा कराओ गाओ गौड़ो, इवत्तु टिप्पू सुल्तान को मक्कल परवागी देवे। सुल्तान बोले मुझे रैयता के पैसों की जरूरत नहीं, वो पैसे में कन्नमारी कट्टे का फाउंडेशन डाले टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो खौफ वो खून हमारा, हमें मार के गरीब है लेकिन ईमान के अमीर है। मेरे भाई और दोस्तों हमें झोपड़े में रहेंगे, फिक्र मत करो, हमारे खबर ताजमहल बनती वो यकीन हमारा है क्योंकि हमारा परवरदिगार 70 माँ बाप की मोहब्बत रखने वाला है। ये यकीन के साथ मैं आज को ज्यादा वक्त में लंबा ले नहीं लेते हुए
भी इतना दुआ करो हर तालुके के अंदर जो है पहले क्लास से बारहवीं क्लास बच्चों को फ्री तालीम होना, हर अंजुमन को महीने को 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से मिलना, वक्फोर्ड के अंदर भी आज बहुत सारे करोड़ों के रुपए नहीं है घर बने। असलात मिलल खबर सब मुझे लगो बैठे सब पड़े पड़े अपना और ये ऐसे कुमार स्वामी जिसके रहेंगे कमीशन बनेगा, जो भी वक्त में खाया उसे जो है खता लेंगे, पेट से भी निकालने लगेंगे। चेयरमैन साहब बोले 56 एकड़ जगह दिया है, हाँ आलो निशान डॉक्टर रामतुल्ला साहब 3 अन्ने के नाम पर 95 जगह लिया, मेरा घर बनने को वास्ते नहीं लिया। कोलार डिस्ट्रिक्ट की मेरी खाम इनके वास्ते एक मेडिकल कॉलेज होना, एक हॉस्पिटल होना, आज वो जगह मुझे पूछे 60 करोड़ को दो 70 करोड़ को दो, मैं बोला खबर में मैं जगह पैसे देने नहीं जाता, मैं खबर में सोया तो भी आज जो वक्त करी आज 56 एकड़ जगह में जो है पैसा की आस नहीं। ये कॉलेज इंशाल्लाह जिस दिन मेरी गवर्नमेंट बनती कुमार स्वामी आपको फाउंडेशन डालते वहां पर वो मेडिकल कॉलेज का वो काम नहीं करा तो आज तुम लोग बोल बोल रहे आज जालापाकू में हमें दिया कॉलेज वहां है, आज कोलार के अंदर मुस्तफा साहब का बहुत बड़ा खानदान आज उन्हें सदर साहब तहरीर करे हमारा मेरे बाप का घर को ये बोलने की ताकत आज उम्मत मोहम्मद या के सीने के अंदर आज भी अल्लाह ताला मौजूद रखा। और ये बात तुम ना बोल को जाते हो लिख को रखे हो, जब तक मैं जिंदा हूँ खुदा की कसम तुम्हारे विकार को कभी मैं झुकने नहीं देता, मैं जान दे लेते हो लेकिन तुमने झुकने नहीं देता। बस इन 4 अल्फाज के साथ मैं ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है क्योंकि जो है कुमार स्वामी साहब कर्नाटक में नहीं, उनको बोलिया तुम्हारे बाप लाल किले तक ले गए थे घर को, ये कौन तुमने लाल किले तक पहुंचाते वो वक्त आता दिल्ली के अंदर वो भी हमें देखेंगे। मक्कम सरा कैंपे और मक्लो कैंपू कोटे में वहां पे आरस में को है तेरे आशीर्वाद आज कुमार स्वामी ने पूरा कैंपू कोटे में वहां पे आरस तक कंता अवकाश सिग्मा कमगे आ कल्स वाला ಈ ನಾಡಿನ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ನಾಡಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ದಲಿತರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉನ್ಕು ದೇಖೆ ಬಾರ ಬಾರ ಹಮ್ಕು ದೇಖೋ ಏಕ ಬಾರ ಬಸ್ ಇತ್ನಾ ಹೀ ಕಹಕರ್ ದುಆ ಕಿ ದರ್ಖಾಸ್ತ್ ಕರ್ತಾ ಹೂ ದುಆ ಕರೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸೆಹತ್ ದೇ ತಂದರುಸ್ತಿ ದೇ ಔರ್ ಮೇರೆ ಮಖಾಸಿದ್ ಪೂರಾ ಹೋನೆ ತಕ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮುಜೆ ಜಿಂದಾ ರಖೆ ಔರ್ ಮರ್ತೆ ವಕ್ತ ಮುಜೆ ಔರ್ ಆಪ್ಕು ಕಲ್ಮಾ ನಸೀಬ್ ಕರೆ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕೋ ದೀದಾರ್ ಕರ್ತೆ ಕರ್ತೆ ರೂಹ್ ಖಮ್ಸ್ ಹೋ वो मुझे और आपको नसीब हो। इन चार अल्फाज के साथ नल्ला स्नेहित्र के कन्नड़ दो मेरे जास्ती माते रखा है गिला एक दर बंदन तो 90% और स्नेहित्र लिदा ने युवत ने वंदु संतोष है कि तो जिल्ले अल्लाह जना वंद मेद के मेले युवत तो देवे गोड़ोरा ये नंद नरपी दे ना व्यत्त से नारी न देवरो इंता वो महान नायका भारतीय इतिहास दले हुटल्ला ಇವತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸುಪುತ್ರ ಅಂತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಿಮ್ಮೆದುರುಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತೇವೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ